केसी जैन साहब अनुरत भवन में आए और उनके आने के बाद एक लंबी चर्चा इस प्रेक्षा ध्यान के विषय में चली। हमें पता चला कि जो प्रेक्षा ध्यान हमेशा से हो रहा है, अब उसका एक नया रूप भी सामने आया है। नमस्कार महामंत्र को रंगों के साथ, केंद्रों के साथ, एक लयबद्धता के साथ प्रयोग से कितना कायाकल्प होता है और वहाँ पर कैसे कैसे प्रयोग करवाए जा रहे हैं। जब उन्होंने अध्यात्म साधना केंद्र में चलने वाले प्रयोगों की चर्चा की तो मन एक बार मचल उठा कि काश हम अभी मेहरौली जाकर अध्यात्म साधना केंद्र में अध्यात्म ऊर्जा को प्राप्त करें। और अगले दिन से ही अध्यात्म साधना केंद्र की ट्रेनर को हमारे पास भेजा। लगभग 8 दिनों तक हमने नमस्कार महामंत्र का प्रभावी ध्यान किया। कायोत्सर्ग के साथ, रंगों के साथ नमस्कार महामंत्र का जो ध्यान है बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि हमारे 5 केंद्रों पर होने वाला ये ध्यान निश्चित रूप से चैतन्य केंद्र को तो जागृत करता ही है और हमारी सोच को भी सकारात्मक बनाता है। ये मैंने एकदम साक्षात अनुभव किया है। उसके साथ साथ में अरहम का जप, अरहम का जो ध्यान था वो तो इतना प्रभावकारी था, ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर में अरहम का वलय बन रहा है और वहाँ से कुछ विकिरणें इस शरीर को अभिभूत कर रही हैं। ये दोनों प्रयोग इतने प्रभावकारी रहे जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। प्रेक्षा प्रशिक्षिका रही हूँ और आज भी हूँ, मैं प्रेक्षा का प्रयोग काफ़ी कराती हूँ, आपको कह रही हूँ केसी जैन साहब, और उससे काफ़ी सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को लाभ मिला है ना। लेकिन मैंने सब कुछ होने के बावजूद भी जो ये प्रयोग अभी मैंने 2 प्रयोग जो किए हैं बहुत ही प्रभावकारी, मतलब मेरे को अभिभूत कर दिया और मेरा पूरा दिन ऐसा लगता है कि मैं बस उसी में रमण करती रहूँ। भावधाराएं इतनी पवित्र, विचार इतने शुद्ध और भावनाएं इतनी पवित्र है। मैं कल्याणेश्वर जी से कह रही थी, कल्याणेश्वर जी ऐसा लगता है बस केवल आनंद नज़र आ रहा है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। 3-4 महीनों से मेरे शरीर में इतनी जकड़न थी और हाथों में इतना भयंकर दर्द था, मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 95 से 96% मेरा दर्द ऐसे लग रहा गायब है, बहुत ठीक लग रहा है। तो मैं केसी जैन साहब के लिए बहुत बहुत बधाई संप्रेषित कर रही हूँ कि जिन्होंने मेरी भावना को साकार किया और उसके साथ साथ में अध्यात्म साधना के केंद्र के ट्रेनर चाहे दिखने में छोटे हों लेकिन छोटे नहीं हैं, उनके भीतर अध्यात्म की ऊर्जा निश्चित रूप से प्रवाहित हो रही है क्योंकि वो खुद भी प्रयोगों के दौर से गुजरते हैं। मेरी एक प्रॉब्लम है, खुजली की प्रॉब्लम, बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। अभी तक आज मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जब नवकार मंत्र का जो जप कर रहे थे उसमें नमो सिद्धाणं का जाप था, नमो सिद्धाणं, जैसे ये ध्वनि शुरू हुई और मेरी आंखों का ऐसे लग रहा था मुझे ऑपरेशन हो रहा है, ऐसे लगने लगा मुझे ऑपरेशन हो रहा है और चारों तरफ लाल 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 अंदर से कुछ ऐसी अग्नि सी निकल रही थी, जैसे कुछ मेरे अंदर के जो जीवाणु हैं मेरे खुजली के जो भी वो मुझे काट रहे थे, तो ऐसे लग रहा था ठीक हो रहा है। इतने में कोई भाई आ गए अचानक और बीच में ऐसा डिस्टर्ब कर दिया कि वो मेरा ध्यान वो होता होता रुक गया। मुझे बहुत फील हुआ, बाद में बहुत फील हुआ, मैं एकदम जागृत अवस्था में इतनी बढ़िया से कर रही